सॉल्व करते हैं। जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या एन के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, देखिए पहले ऐसे ही समझ लेते हैं कि ये 6 प्राकृतिक संख्या 0 पर समाप्त होगी कि नहीं। क्या होता है कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो क्या होगी, 10 से डिवाइड होगी, ठीक है। मतलब उसमें फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए। अब इसका फैक्टर अगर हम निकालेंगे 6 की पावर n का, तो कितना होगा, 2 × 3 की पावर n। तो देखिए 3 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3 से डिवाइड हो नहीं पाएगा। तो ये कंफर्म हो चुका है कि 6 की पावर n में फैक्टर्स नहीं मिल रहे हमें, 10 वाले, 2 और 5 तो मिल ही नहीं रहा। अगर 2 5 मिल जाता तो ये कंफर्म हो जाता कि प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। अब इस चीज़ को अपनी लैंग्वेज में लिखवस देना है, तो चलिए लिख देते हैं। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त, यहाँ पे लिख देते हैं, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती तो वह 10 से विभाजित होती, 10 से विभाजित होती है। यदि कोई शून्य पर समाप्त होती है, 10 से विभाजित होती है, ठीक है। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में 2 और किससे डिवाइड हो जाती, 2 और 5 से, 2 और 5 से विभाजित होती है। अब चूंकि 6n का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, चूंकि यहाँ लिखेंगे सच दैट, या चूंकि लिख दें, चूंकि 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड 6 पावर n इज इक्वल 6 2 × 3 की पावर n इज इक्वल, क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n × 3 की पावर n। अतः 6 6 की पावर n के गुणनखंड में 5 नहीं है। इसलिए जब 5 है ही नहीं तो क्या होगा, 5 से विभाजित नहीं होगा। इसलिए 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा। अंकगणित, अब यहाँ पे आधारभूत प्रमेय लगा देंगे, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है, अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है, हमें यह निश्चित कराती है कि 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं है। इसलिए किसी भी प्राकृतिक संख्या, इसके बाद पूरा लिख देना है, इसलिए किसी भी प्राकृतिक संख्या के n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त जीरो जीरो पर समाप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। और इस प्रकार से इसका क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा कंप्लीट।